इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। आई रिसेंटली ज्वाइन आईकोड गुरु, इट्स माय फर्स्ट डे। तो आप कंप्यूटर साइंस के? सर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। सही हो गया। तो आप कहाँ से पढ़े हैं? बहावलपुर में। इस्लामिया यूनिवर्सिटी। सही हो गया। चलें यार, गुड टू सी यू। थैंक यू सर। लीड कोड पे आपने कुछ प्रैक्टिस शुरू की है? मतलब कोई आइडिया है कि लीड कोड पे किस तरह मतलब सबमिट करते हैं प्रॉब्लम्स? और सर मैं जो रिसेंटली वर्क कर रहा हूँ एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ और मशीन लर्निंग पे थ्रू पाइथन, बट लीड कोर्स का कोड का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं आज देखूंगा कि ये कैसे करते हैं, बट इतना आइडिया कि इसमें हमारी जो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और लॉजिक बिल्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये सेशन ज्वाइन किया। नहीं यार, इंशाल्लाह अपने अंदर भी करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चल मैडम ही ना आप। अच्छा, इस सेटिंग के अंदर ना हम क्वेश्चन खुद रीड करते हैं। ये जो वेबसाइट है ये लीड कोड है, ठीक है? तो इसमें फिर हम ये देखते हैं कि मुझे क्या समझ आई, आपको क्या समझ आई और किससे। तो ये बेसिकली हम एक दूसरे के आइडियाज से बेनिफिट लेते हैं। अच्छा, मुझे कोई चीज समझ नहीं आई तो मैं आपसे समझ लूँ, ठीक है? तो आप टाइम बच जाता है। तो इसको अगर आप रीड कर लें और फिर मैडम ही ना फिर आप ऑडियंस को एंगेज करें और देन आप जो भी इसको डिस्कशन है ना, और कोशिश करें कि 20 मिनट्स तक इसको रखें, कंटेन करें। ठीक है, चलें। थैंक यू। ये क्वेश्चन मैंने शेयर किया सर, स्क्रीन नजर आ रही हूँ जी मैडम, नजर आ रही हूँ। मेबी कुछ लोगों के लिए। अच्छा मैडम, आप पहले ये बता सकें बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है? जी सर, मैं एक्सप्लेन करने लगी थी। बाइनरी सर्च ट्री इस तरह से होता है कि जब हमारे पास ये हमारे पास एक नोड है वन, तो इसमें ये अंडरस्टूड होगा कि इसके जो लेफ्ट पे जितने भी इसके चिल्ड्रन होंगे इस नोड से छोटे होंगे, ठीक है? ये जैसे हमारे पास 6 गिवन है, तो हमें ये अंडरस्टूड है कि हमारे पास लेफ्ट सब ट्री हमारे पास बनेगा, इसमें जितने भी इसके चिल्ड्रन आएंगे वो 6 से स्मॉल वैल्यू में छोटे होंगे, और राइट साइड पे इसके जितने चिल्ड्रन होंगे वो वैल्यू में इससे बड़े होंगे। देख सकते हैं हम 6 से छोटा 2, 0, 4, 3, 5 ये सब 6 से छोटे हैं, स्मॉल आ रहा है, और राइट साइड पे 8, 7 एंड 9 6 से बड़े हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमें ये क्या करना है, हमें दो नोड चाहिए पी एंड क्यू। अब इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं पी क्या है 2 और क्यू है 8, हमें इनका कॉमन एंसेस्टर बताना है। इसमें एक अच्छी बात ये है कि कोई भी नोड जो है वो अपना अपनी अपना खुद एंसेस्टर हो सकती है, वेयर वी अलाउ अ नोड टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। अब 2 और 8 का कौन एंसेस्टर बनेगा, वो 6 बनेगा एंसेस्टर, 2 एंड का जो कॉमन एंसेस्टर होगा। अब हम आगे और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जी, आप लोग पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, डिस्कशन है, वन साइडेड नहीं। आप बीच में क्वेश्चन करें, ऐड करें, जो भी आप करें। ओके सर, सो बेसिकली जिस तरह ये अभी मैम ने बताया, 6 को हम पेरेंट नोड बोलेंगे और इस पेरेंट नोड के लेफ्ट साइड पे जितने भी इसके चाइल्ड नोड होंगे वो इससे जिस तरह मैम ने बताया कि छोटे होंगे, और राइट साइड पे जितने भी नोड होंगे वो बड़े होंगे। बट पेरेंट नोड हमेशा हमारा जो पेरेंट नोड है उसको हम रेफरेंस लेके हमारी सर्च को स्टार्ट करेंगे, ये चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। सही, थैंक यू। अच्छा, अब ये हम अगर एग्जांपल नंबर 2 में देखें तो हमारे पास पी 2 है और क्यू इज अ 4। अब इनका कौन सा कॉमन एंसेस्टर बनेगा, 4 का एंसेस्टर 2 है
और टू अपना इटसेल्फ एंसेस्टर हो सकता है, तो इसमें हम एंसेस्टर में रिटर्न करेंगे टू, कि टू हमारा कॉमन एंसेस्टर है। यही दो एग्जांपल हमारे पास गिवन थी। अब इसकी लॉजिक डिस्कस करना, पहले आप ऑडियंस से पूछेंगे उनको उनको क्वेश्चन समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो उनके माइंड में क्या आता है, ये क्वेश्चन किस टाइप का है, मतलब तो किस तरह करेंगे, ये सबको क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, मतलब कैसे होगा ये क्वेश्चन, कोई आइडिया दे सकते हैं आप? रिकर्जन वगैरह या फिर आइटरेशन से भी हो सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों तरीकों से हो सकता है, रिकर्जन से भी हो सकता है और आइटरेटिव वे में भी हो सकता है ये। सर यहाँ ना बताएंगे, अगर फर्स्ट हम रिकर्जन से करते हैं या आइटरेशन से करते हैं तो कौन सा तरीका बेटर होता है, क्योंकि यही मैं पूछना चाह रही थी, दोनों तरीके से हो जाएगा। देखिए तरीके नॉर्मली ना रिकर्जन से कोड आपका ना सिंपल होता है, क्योंकि आप मतलब जस्ट कॉल कर रहे होते हैं, बेस कंडीशन से रिटर्न कर रहे होते हैं, तो वो आपका ना बड़ा शॉर्ट सा कोड होता है। अगर आप और उसका ड्रॉबैक क्या होता है रिकर्जन से करने का, कि उसमें ना आपको स्टैक यूज होगा, ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो क्या बता, सॉरी मैं जरा विंडो को क्लोज कर दूं, रिकरिंग का स्टैक बनेगा तो उसकी फिर वो अलग स्पेस लेगा मेमोरी में। हाँ, तो उसका ड्रॉबैक ये होता है कि सम क्वेश्चंस में आप स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर आप आइटरेटिव वे में करें, ताकि आपका स्टैक यूज ना हो। बजाहिर आप कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन रिकर्जन अपने लिए जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो अपने वेरिएबल्स को स्टैक में रिकॉर्ड बनाएगा, ठीक है, ताकि जब वहां से कॉल से रिटर्न हो तो फिर वो वेरिएबल्स को वहां से इंटरनल जो भी उसकी बैकग्राउंड में स्टैक यूज हो रही है उसमें से पॉप कर ले, ठीक है। तो इस केस में मतलब इस सेंस में कोड लिखना आसान है, लेकिन आपको स्टैक यूज हो रहा है, अगर आपका कोड आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा हर चीज आइट्रेट करते हुए, तो वो आपको कोड में भी थोड़ा सा लंबा लिखा जाए, लेकिन मे बी सम सिचुएशन में वो आपको हेल्प करे, ठीक है। और कुछ सिचुएशंस में होता है कि आप अल्टीमेटली स्पेस यूज कर ही रहे होते हैं, क्वेश्चन डिपेंडेंट है मतलब ये बात, तो आप फिर वो ऑफ एन नोटेशन में स्पेस इतनी मैटर नहीं करती, कि आप एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हैं और आप स्टैक से एक्स्ट्रा स्पेस यूज करें, तो मेरे ख्याल वहां पर इतना कोई बहुत ज्यादा बिग ओ नोटेशन में बहुत स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं आएगा। चलिए मैडम आप इसको कंटिन्यू करें, मतलब कि इसको किस तरह हम करेंगे, इस तरह से कि हम इसको बीएसटी के ही उससे एडवांटेज से यूज करेंगे, जिस तरह हमने पहले गिवन है कि बीएसटी है थी, तो हम बीएसटी ही इसमें यूज करेंगे। सर मैं एक्सप्लेन कर दूं लॉजिक, पहले ऑडियंस से पूछें उनको किस तरह समझ आ रहा है, अगर किसी ने किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ तो एटलीस्ट उधर से फीडबैक लें। आप लोगों ने किसी ने किया हुआ है क्वेश्चन? किया लेकिन वो 1.5 साल पहले किया था, तो मुझे पता भी कोड तो मुझे लेट कोड पे शो हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने किया क्या। कोई बात नहीं, इसको रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए मैडम आप अपने एक थॉट प्रोसेस शेयर करें, फिर उसको काउंटर करते हैं कि आप किस तरह सोच रही हैं और बाकी लोग किस तरह सोच रहे हैं। हम देख लेते हैं कि हमारे पास p एंड q की जो वैल्यू है वो अगर हमारे पास टू से स्मॉलर है, सपोज ये अगर फर्स्ट करें पी एंड क्यू स्मॉलर होगा रूट से, तो हमें अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमने लेफ्ट साइड टू रूट पर यहाँ पर होगा हमारा। अगर पी एंड की स्मॉलर है वैल्यू पी एंड क्यू से रूट की, जो हमारे पास पी एंड क्यू की वैल्यू है वो स्मॉलर है रूट की वैल्यू से, तो हम लेफ्ट साइड टू वॉक करेंगे, लेफ्ट सर्च करेंगे और इसी तरह हम आइटरेटिव वे में करते जाएंगे। अगर पी एंड क्यू की वैल्यू रूट से बड़ी है फिर हम राइट साइड पर सर्च करेंगे, इस ट्री में हम देखेंगे। और अगर फर्ज करें वैल्यू इस तरह से है कि एक बड़ी है और एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है, तो इसका मतलब होगा कि हमारा जो रूट है वही हम एंसेस्टर है, ठीक है। सपोज एक टू है और एक एट है, इसका मतलब है एक बड़ी ना आ रही है, एक इस साइड पर लेफ्ट साइड पर आ रही है वैल्यू, एक राइट साइड पर आ रही है, तो कॉमन एंसेस्टर कौन बनेगा? सिक्स। उनका दोनों का एक साइड पे नहीं हो सकते, वो ना लेफ्ट में हो सकते हैं दोनों ना राइट में हो सकते हैं। अच्छा एक अगर वो वन ऑफ देम अगर रूट हो जैसे सिक्स होता, तो आप फिर वो किस तरह हैंडल करेंगे?
अगर इसमें से रूट सिक्स होता, सिक्स के इक्वल होता कोई भी, तो हम सिक्स को ही रिटर्न कर देते एंसेस्टर को. नहीं, फॉर एग्जांपल सिक्स है और जीरो है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर हम सिक्स को कहेंगे. ठीक है, सिक्स रिटर्न करेंगे हम. हाँ जुनैद, आवाज आ रही है, पहले थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रही थी आपकी आवाज. ठीक है, आवाज नहीं आ रही है मुझे. अब आ रही है आवाज, पहले थोड़ी सी वो हो रही थी, डिस्कनेक्ट हो रही थी. अच्छा, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं तो फिर मैडम आप इसको बताएं इसका कोड किस तरह होगा. आप राइट कर सकती हैं इसका कोड अभी? कोशिश करें बगैर देखे, आपको बस जिस तरह आपको समझ आ रही है आप कोड लिखते जाएं. अब हम देखते हैं जब तक हमारे पास क्या होगा, जब तक हमारे पास रूट नल नहीं होता. जी सर, सर मुझे आवाज नहीं आ रही. Excuse me? मैम पहले चेक करने के रूट नल तो नहीं है. मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो ये डेफिनेशन जो है लीस्ट कॉमन एंसर की, ये मुझे बता दें अगर आप. लीस्ट कॉमन एंसेस्टर ये होता है कि हमारे पास दो रूट्स हमें, दो नोड्स हमें गिवन हो गए, उन्होंने पूछा हुआ है कि इसका लीस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन सा है. लीस्ट कॉमन एंसेस्टर मतलब कि उनसे सबसे, उनका जो पेरेंट बन रहा है, जो सबसे उनके ऊपर बन रहा है, मतलब उनके क्लोजेस्ट जो पेरेंट बन रहा है, क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन सा बन रहा है. जैसे अगर हमारे पास सपोज करें हमें थ्री है एक नोड, हमारे पास एक फाइव है, उनका लीस्ट कॉमन एंसेस्टर कौन होगा? फोर. क्योंकि वैसे तो हमारे पास एंसेस्टर उनके टू और सिक्स भी हैं, लेकिन लीस्ट कॉमन एंसेस्टर की जब बात आएगी तो वो हमारे पास फोर होगा. और एक और चीज इसमें ये होगी कि हमारे पास नोड है वो अपना खुद भी एंसेस्टर हो सकता है. लीस्ट टू नहीं होना चाहिए, थ्री फाइव में फोर, टू और सिक्स में सबसे लोएस्ट तो टू है. यहाँ पर थ्री और फाइव है ना, थ्री और फाइव को हमने देखना है, इनका फोर बन रहा है लीस्ट कॉमन एंसेस्टर, डायरेक्टली फोर के साथ ही लिंक है ना. फिर फोर का एंसेस्टर टू है, तो हमने सबसे जो क्लोज है वो देखना है, जो लीस्ट है, जो सबसे कम उस पर डिस्टेंस पे जा रहा है, लोएस्ट कॉमन. सॉरी लोएस्ट है, लीस्ट नहीं है. थैंक यू. लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो हमारे पास फोर बन रहा है. अब क्लियर हो गई? यस मैम. मैम अगर इसकी एरे में देखें तो, इसकी एरे में देखें तो पहले मैम एक मुझे एक अप्रोच समझ आ रही, मैं शेयर कर लूं. अगर इसकी एरे में देखें तो पहले रूट का बताया, फिर लेफ्ट का, नहीं फिर राइट नोड का और फिर लेफ्ट नोड का, और जो सी स्पेस खाली वहां पर नल लिखा हुआ है. तो अगर मतलब जिस वैल्यू की, जो सी वैल्यू हमें दी होगी जैसे पी और क्यू, तो अगर पी को हम डायरेक्टली मतलब के कुछ स्पेस छोड़ के अगर उसे साफ से देखे चले, मतलब कि पी का नोड पी राइट एक सेकंड मैं क्लियर कर लूं, आप करें. मैं इस बात का आपको जवाब दे दूं, ये जो आप सोच रही ना, आपको ये एरे तो नजर आ रहा है लेकिन आपको एक्चुअली गिवन सिर्फ एक नोड होगा, उसका पॉइंटर सिर्फ दिया होगा, ये सिर्फ उसने उस ट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है एक लिस्ट के फॉर्म में. एक्चुअली वो एक डाटा स्ट्रक्चर का एक उस पॉइंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का एक पॉइंटर आपको पास कर रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख रही हैं. ठीक है, मतलब वो ये एरे नहीं है, ये एरे आपको सिर्फ उसने ना इनपुट एज ए जस्ट टू शो किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली उसको वो एक रूट मिल रहा है जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, लिस्ट नहीं मिल रही. उसके नीचे पूरा एक ट्री एग्जिस्ट होगा, हमें नहीं पता कितना बड़ा है. ठीक है, और हमें दो नोड्स के पॉइंटर्स मिल रहे हैं जो कि पी एंड क्यू है, उनकी जो वैल्यू है वो आप मतलब
मुझे निकाल समझ सकते आ हैं रही है, मतलब कि पूरा जो ट्री, मतलब कि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो ट्री की फॉर्म में आ रहा है। जी, मतलब यहाँ पर कहने को पी एंड क्यू दो इंटीजर वैल्यूज हैं, लेकिन एक्चुअली जो पास हो रहे हैं वो उसके उस नोड का पॉइंटर है जिसकी वैल्यू 2 एंड 8 है। जी जी मैडम, आप राइट करें कोड, इसको किस तरह लिखेंगे या पहले एक्सप्लेन कर दें क्या? आपने मैम, एक्सप्लेन भी कर दिया, अब आप कोड राइट करिए। राइट, ठीक इसमें हम देखेंगे कि पी की वैल्यू जो है वो पी और क्यू की वैल्यू चेक करेंगे। देखेंगे पी की वैल्यू बड़ी है रूट की वैल्यू से और क्यू की वैल्यू भी बड़ी होगा रूट की वैल्यू से, तो फिर क्या होगा? मैडम यहाँ पर भी ना एक ये लगा दें इस तरह जो पॉइंटर के लिए, लेकिन जी सर, यहाँ पर अच्छा सही सही, इसको अगर पी की वैल्यू भी बड़ी है और रूट से और क्यू की वैल्यू भी बड़ी है रूट से, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एंसेस्टर बनेगा वो राइट साइड को, मतलब वो सही। इसमें दोनों अलग अलग नहीं है, वो यहाँ राइट साइड पर लाई करता है, दोनों पी एंड क्यू लाई कर रहा है राइट साइड पर। तो हम क्या करेंगे, हम रूट को कह देंगे रूट इक्वल टू रूट का राइट होगा, ठीक है, ठीक है। अब यही सेम कंडीशन होगी, मैडम जब इफ कंडीशन तो लिख रहे हैं ना तो उसको एक टैब प्रेस कर दें या फिर सेम लाइन में लिख दें ताकि आपको कोड रीडेबिलिटी का आपको इशू ना हो। रूट पे जाकर आप एक टैब प्रेस करें, टैब चलें मर्जी आपकी, इस तरह कर लें तो बेहतर है। और अगर ये लेस होंगे दोनों तो फिर क्या होगा? अगर बोथ लेस होंगे तो हमारे पास लेफ्ट, अच्छा मुझे बताएं आप हाँ एल्स कंडीशन में लिखना चाह रही हैं या, क्योंकि एक दफा मैं उसने रूट चेंज कर दिया तो वो अब सर, नया रूट हो गया ना। एक मिनट मैं इसमें लिखना चाह रही हूँ। एल्स नहीं आएगा, ठीक है, सही है, लेफ्ट के केस में वो लेफ्ट पे चला जाएगा, ठीक है, और अगर इक्वल हुआ तो लेकिन फिर क्या होगा? और अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, फिर क्या होगा? फिर हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास रूट है वही रिटर्न कर देंगे। ये गारंटीड है पी एन क्यू जो है वो ऑब्वियसली उसके पॉइंटर्स होंगे, मतलब स्ट्रीम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये देख लेते हैं कंडीशन में, नंबर या कभी नल भी हो सकते हैं। पी इज नॉट इक्वल टू क्यू एंड पी एंड क्यू विल एग्जिस्ट इन दिस, ठीक है, सही है। आई थिंक इट्स ओके, रन करके देख लेते हैं। फाइल की हाँ, कंडीशन में सिर्फ रूट ही आएगा, वाइल की नॉट इक्वल टू नल भी आएगा, वाइल की जहाँ पे कंडीशन लिखी हुई। अब वो तो अगर नल ना हुआ तो तब भी वो चलेगी उसका ना। अच्छा नॉट नल, ठीक है, सही है, ठीक है, सही कह रही हूँ, लेकिन आप ब्रैकेट का इशू था, वो क्या ब्रैकेट का इशू था?
सर वो कह रहा है, मेरा भी यही इशू आ रहा है कि वो कह रहा है रिटर्न नहीं करना चाहिए आपको इधर, नो यू कह रहा है इसकी मतलब टाइप वॉइड है तो आप रिटर्न कर सकते हैं, इसको कोई एरर आ रिटर्न नल कर दें, नल पॉइंटर। वो ये कह रहा है कि वहां से आप इन अंदर से रिटर्न करें तो बाहर, यहां पर हमने गलती कर दिया। हां सही कह रहे हैं, जब तक रूट या तो फिर मैं रूट नॉट इक्वल टू नल करती ना, ये इसका मतलब जब हम लिखते हैं व्हाइल रूट तो इसका मतलब ये है कि जब तक रूट नल नहीं होगा तब तक ये चीज होगी। सही कह रही है मैडम। जबरदस्त हो गया मैडम। ये बताएं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जी सर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर फर्स्ट करें वो ए के साइड पे हो सकता है सारा, सर नंबर ऑफ नोड का स्क्वायर आएगी लॉग इन। अगर सपोज हमारे पास ए के साइड पे होता तो हम तो स्टार्ट में ही रिटर्न कर देते, क्या करते हैं? अच्छा सोचें इसमें क्या होगा, नहीं ख्याल नहीं, आप कॉन्फिडेंस से कहें जो भी आप कह रही हैं और उसको जस्टिफाई करें। कैसे होगी आप बताएं? वर्स्ट केस में अगर ये सारे जो हैं नोड्स ए के साइड पर लाए करते हैं तो हमें आखिर तक मूव करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ठीक है, मतलब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ये मतलब सिमेट्रिक होगा या कुछ, ठीक है। और जैसा मैडम ने कहा कि अगर क्योंकि बीएसटी है ना तो ये नोड्स अगर किसी एक साइड हो और आपको पूरे नोड्स को ट्रेवर्स करना पड़े, एन नोड्स होंगे तो आपको एन नोड्स तक जाकर फिर पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है, ठीक है, तो ओ ऑफ एन होगी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मैडम? स्पेस तो हम ज्यादा सही कह रही हैं क्योंकि हमने स्टैक यूज नहीं किया। सही हो गया, जबरदस्त मैडम, चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अच्छा अब किसी और का कोई है जिसने कोई क्वेश्चन ऐसा जो कि आप लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं या फिर मैं रैंडम क्वेश्चन ओपन कर लूं? अच्छा रैंडम में ना थोड़ा सा बंदे को थोड़ी जान लगती है, लेकिन थोड़ा अगर आप कर लें तो उसका एक कॉन्फिडेंस गेट होता है कि अच्छा आपने एक क्वेश्चन जो कि पहली दफा किया वो मुश्किल से हो लेकिन हो जाए। इसमें से कोई ये देख लेते हैं, मैंने किया हुआ नहीं, किया हुआ है पास में, लेकिन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो मेरे लिए क्वेश्चन नया नहीं है लेकिन ये कि रिलेटिवली सिंपल है इसलिए मैंने ओपन किया। आप लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, मैं इसका लिंक चैट में डालूंगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप बताएं।
सही हो गया। तो इसमें कोई आइडिया दें किस तरह कर सकते हैं इसको। जो नियरेस्ट जीरो वो सिर्फ हमने लेंथ में देखना है या डायगोनल में भी देखना है? डायगोनल में नहीं देखना क्योंकि अगर डायगोनल में तो फिर तो ये वन यूनिट अपार्ट होता ना, ये यहाँ से, तो इसका आंसर टू इसलिए क्योंकि मतलब इस तरह करके जाएगा किसी भी जगह से उसको जीरो जो है टू डिस्टेंस पे मिल रहा है। इसमें लिखा होगा कहीं पे कि एटलीस्ट एक जीरो प्रेजेंट है, ठीक है। टू एडजेसेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो एडजेसेंट में लेफ्ट राइट अप डाउन आते हैं, देखें पहले ब्रूट फोर्स आप सोचें करेंगे किस तरह डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। तो ठीक है, हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है, हर हर सेल की वैल्यू चेक करनी है तो हमने तो हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे अगर तो जीरो है तो हम इसको डायरेक्टली हम जीरो पे डन कर देंगे। अच्छा ठीक है, ये जीरो डिस्टेंस से जीरो मिल गया। अगर नहीं है तो हम इसके नेबर्स में चेक करेंगे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। अगर हमें मिलता है तो ठीक है, वरना हम उनकी तरफ मूव करते जाएंगे। जैसे ये लास्ट एग्जांपल जो है उसमें काफी है, यही वाली एग्जांपल है जिस तरह अगर हमें ये है तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे जैसे हमें कोई जीरो नहीं आ रहा तो हम वन स्टेप मूव करेंगे किसी भी साइड पर रिकर्सिवली। इस साइड से हमने मूव किया तो यहाँ पर जीरो था इससे ना, आप ना एनोटेट करें, एनोटेट किए बगैर ना आपकी जो बात है ना वो इतनी समझ नहीं आ रही कि आप किस जगह पे क्या पॉइंट करें। आपका माउस मुझे विजिबल नहीं है, मेरा माउस आपको विजिबल होगा क्योंकि स्क्रीन मेरी शेयर्ड है ना, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखते हुए कि आप अपनी बात कन्विंसिंगली दूसरे तक पहुंचाएं, तो आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि आप क्या कह रही हैं? अपने वैल्यू कंपोज करके जाएंगे जिसमें जिसमें आएंगे इस जीरो के डिस्टेंस पे, जीरो डिस्टेंस पे हमें जीरो अवेलेबल है, नेक्स्ट में भी हमें जीरो अवेलेबल है, थर्ड में भी हमारे पास जीरो है, अब फोर्थ में भी जीरो हमारे पास है। जो जीरो है वो तो वैसे अगर वो वैल्यू वैल्यू ही जीरो है तो उसे का तो जीरो ही आएगा ना, डिस्टेंस टू इटसेल्फ ठीक है। तो आप ये कह रही हैं कि जहां जीरो है तो वहां जीरो रहने दें, ठीक है। अब हमारे पास ये वन है तो हम यहाँ सर्च करेंगे कि हमारे इसके नेबर्स में देखेंगे, हम जाएंगे इसके नेबर्स में हमें वन डिस्टेंस से जीरो मिल रहा है तो हम यहाँ वन लिख देंगे। अब नेक्स्ट में जहाँ हमारे पास वन होगा हम उसके भी अप साइड पर हमें मिल रहा है, डायरेक्शन वाला जो वेक्टर था हम उस तरह से बना लेंगे अच्छा, तो हमें ये अप साइड पर वो मिल रहा है तो हम यहाँ पर वन साइड देंगे। अब इसमें हमें नहीं मिल रहा जो ये है इसके हमें फोर जो इसके डायरेक्शन से हमें जीरो नहीं मिल रहा, तो हम देखेंगे इसका फोर जो इसके बन रहे हैं उसमें कितने दूर पर जीरो है। हम इस साइड से जाएंगे जहाँ वन डिस्टेंस पे जीरो है, अब कब जाएंगे तो वन डिस्टेंस पे है, अब समझे अभी नहीं वैल्यू हुई होगी उसको हम कैसे कंसिडर करते हैं? नई वैल्यू का मतलब क्या है? मतलब अगर हम इससे फिल करते जा रहे हैं यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ ना, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इसको कैसे देखेंगे? देखिए आप ये जो आंसर फिल कर रही हैं ना उसमें तो नहीं सर्च कर रही ना, आप तो एक्चुअल एरे में सर्च करेंगी, इसमें यहाँ पर पड़ा हुआ है ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे इसके सराउंडिंग में पड़ा हुआ है, मतलब वन है जीरो है। हम अगर आंसर में सर्च करेंगे तो हमें जल्दी मिल जाएगा। देखिए आप मेरे ख्याल जंप अहेड करें, आप भी कह रही हैं कि डीपी अरे इस तरह बना लें कि वो ऑलरेडी कंप्यूटर आंसर पड़े हों, जाना ना पड़े, ठीक है। आप उस सेंस में कह रही हैं, लेकिन पहले जब आप एक ब्रूट फोर्स जिसे कहते हैं उसका मतलब होता है कि आप एक सोल्यूशन हो जो कि चलता हो लॉजिकली, ऑप्टिमाइज बेशक ना हो, ठीक है। तो मैं उसी चीज को इस तरह कहूंगा कि आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए ब्रूट फोर्स में कि आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर रही हैं या डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रही हैं।
मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा, अगर वही बात जो आपने एक्सप्लेन की कि जहां जीरो हो वहां तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पर जीरो जीरो जीरो, ये जो आपने लिखा हुआ इसी तरह, ठीक है। जहां पर वन आया, यहां से अब मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च करना है, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब ये है कि मैं, ये तो सिंपल है, आपको जीरो मिला, आपने कहा एक यूनिट पे आपको एक मिल रहा है, ठीक है, और किसी भी साइड से आपको इससे कम डिस्टेंस पे नहीं मिला, ठीक है। अच्छा सेकंड, बैटरी तो मैं इसकी डाउन डाउन। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल ये आपने हर किसी हर हर वन के लिए आपने निकालना है कि इस जगह पे आपको वन यूनिट पे मिल गया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने कहा कि अच्छा बाकियों के लिए भी निकालना है, तो आपने इसी तरह इसका भी देखा कि इससे कितना आंसर आ रहा है, नियरेस्ट आपको मिल गया, आपने जहां वन मिलेगा वहां से आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च रन करनी है, ठीक है, और ऑल डायरेक्शंस में वो डेप्थ में जाते जाते किसी मल्टीपल आंसर रिटर्न करेगा कि मैं अगर इस पाथ से गया तो मुझे इतना मिला, इस पाथ से मिला तो इतना मिला, तो जितने वंस मिल रहे होंगे ना उस पर वो एक किस्म की डेप्थ में जाएगा अंटिल वो जीरो को टच कर रहा हो, ठीक है। तो ये आप इस तरह करके कर सकती हैं, सोच सकती हैं कि किसी भी जगह पे आपने अगर वन मिलेगा तो आपने डेप्थ में जाते जाना है, ठीक है, जितने कनेक्टेड वंस होंगे ऑल फोर डायरेक्शन में वो चल रही होगी, तो हर जगह से आपको ना एक नियरेस्ट आंसर, एक नियरेस्ट जीरो मिल रहा होगा, तो वो आप नियरेस्ट जीरो मतलब आप रिजल्ट में डायरेक्टली भी डाल सकती हैं, और इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं कि यहाँ से टू यूनिट पे मिल रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मुख्तलिफ डायरेक्शन से हो सकता है कि यहाँ पर जीरो पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर अगर आपको वन पड़ा होता तो यहाँ से जो नियरेस्ट है वो आपको टू थ्री यूनिट अपार्ट मिल रहा है, ठीक है, मतलब एक स्टेप दो स्टेप अगर यहाँ पर वन है, ठीक है, और यहाँ पर ये मिल रहा है, और इस तरफ से अगर आप जाएं तो ये आपको टू यूनिट पे मिल रहा है, तो आपने यहाँ पर टू सेव करना है, इसका मतलब कि मल्टीपल आप डायरेक्शन से जो डेप्थ फर्स्ट सर्च में जाकर आपको एक आंसर मिल रहा है आपने उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, कि जीरो इज हाउ हाउ लॉन्ग आई मीन हाउ फार द जीरो इज, ठीक है। तो इसके बजाय अगर आप वो कर लेते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर लेते हैं कि जैसे ही आपको वन मिला आपने लेवल बाय लेवल जैसे ट्रेवर्सल कहते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आप क्या करते हैं कि आपने सारे इसके नेबरिंग को देखना है, जहाँ जहाँ पर वन मिल रहा है उन सबको आपने उसमें, अगर तो कहीं पर जीरो पड़ा हुआ, लेट्स सी यहाँ जीरो पड़ा हुआ, तो फिर तो इमीडिएटली आपका आंसर आ गया। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों? जी सर आ रही है। मुझे लगा शायद डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा तो आपको अगर तो जीरो मिल गया तो फिर तो आपको फर्दर जाना नहीं है, अगर सराउंडिंग में ऑल फोर वंस मिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको ना फॉर एग्जांपल यहाँ पर वन था, फिर इसके सराउंडिंग में आपने देखना है कि अगर सारे वंस पड़े हुए तो वो लेवल बाय लेवल जाएगा, पहले एक लेवल के सारे एंटरटेन होंगे मतलब इनके उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है, इसके लेवल में ये जो है इसके सराउंडिंग वाले होंगे, फिर जो उस लेवल के लेवल बाय लेवल वो आगे जाएगा, तो आपको नियरेस्ट जो जीरो देगा वो आपका आंसर होगा फॉर दिस पोजीशन, ठीक है। जी मैडम मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर वन होता, यहाँ पर भी वन होता, ठीक है, उसने कहा एटलीस्ट वन जीरो होगा, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि इस वन के लिए आपका जीरो कितने डिस्टेंस पे, अब आपको नहीं पता सराउंडिंग में क्या है, ठीक है। अच्छा आप एक तरीका ये हो सकता है कि आप मैं पहले राइट पे देखूंगी, ठीक है, फिर राइट के भी मैं लेफ्ट पे देखूंगी, फिर उसमें भी कोई एक डायरेक्शन चूज करूंगी, ये डेप्थ में जा रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता जीरो कहाँ मिलेगा मुझे, फिर हो सकता है यहाँ जाना शुरू हो जाए, हो सकता है फिर यहाँ पर जाना शुरू हो जाए, डिपेंडिंग ऑन जो भी सीक्वेंस ऑफ होगा ना डेप्थ में जाने का, कि आप पहले अप डायरेक्शन में देखते हैं तो फिर पहले अप में जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड हो रहा होगा, फिर हो सकता है आप लेफ्ट पे जाने की कोशिश करें, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन जो सीक्वेंस है ना, क्या आप अपने आंसर इसके लिए निकालना है लेकिन आप डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसकी निस्बत अगर आप ये होता कि मैं कहता कि आप एक लेवल के नोड्स को पहले देखें, मतलब लेवल का मतलब है कि उसके सराउंडिंग में देखें, इसके सारे सराउंडिंग है उनको देखें, कोई जीरो तो नहीं है, अब जीरो नहीं है तो ये सारे क्यू में पूछूंगे, ठीक है, फिर ये वाला पिक होगा,
फिर इसके सारे सराउंडिंग लेवल बाय लेवल वो चलेगा, ठीक है। जब ये हो गया तो फिर उसका, क्योंकि वन के सारे जो नेबर है ना वो प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसको प्रोसेस करना है उसके नेबरिंग जो है उनको देखना है कि वो क्या वन है या जीरो है। तो ब्रेथ फर्स्ट इसका मतलब कि लेवल बाय लेवल, कि जैसे आप ये समझे कि यहाँ से एक चीज स्टार्ट हुई और वो एक पहले एक लेवल के नोड्स को प्रोसेस होता है, फिर उनके सराउंडिंग में जो वंस हैं वो प्रोसेस होते हैं अंटिल के उसको जो अर्लीस्ट मिलेगा वो नियरेस्ट जीरो होगा। ब्रेथ फर्स्ट सर्च नेचुरली आपको कितने स्टेप्स दूर होगा वो आपको नियरेस्ट का बताएगा। नियरेस्ट का कैसे बताएगा, फॉर एग्जांपल इस डेटा के ऊपर रखें जो ये ओरिजिनल एग्जांपल थी, तो जब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो आपने इसको क्यू में डाला, इसको इसको क्यू में डाला, इसको क्यू में डाला, ठीक है। फिर आपने लेट से इसको प्रोसेस किया तो ये ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, इसको तो दोबारा नहीं आपने प्लेस करना, ठीक है, क्योंकि आपको जीरो मिल गया तो इसका मतलब है कि ये दो लेवल अपार्ट है, ठीक है। पहले लेवल पे किसी तरह आपने ना स्टेप्स काउंट करने होंगे कि जो आप क्यू के अंदर आपने पहले आपने एक आई और जे डाला होगा जो कि उसकी पोजीशन बता रहा होगा कि वन की पोजीशन क्या है या जिस सेल को प्रोसेस कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है, और उसका एक थर्ड होगा जिसे आप टपल कह लें, डिस्टेंस लिखा होगा या स्टेप्स लिखे होंगे कितना दूर है। तो हर दफा हम ना जब प्रोसेस करेंगे तो नेक्स्ट लेवल के लिए इसमें वन ऐड करके इसमें पुश करेंगे क्यू में, ठीक है, समहाउ ऐसा करना पड़ेगा। और फिर हमें पता चलेगा कि अगर हमें जीरो मिल गया तो हमें क्या वो था, उस कितने डिस्टेंस पे वो मिला, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मेक सेंस नहीं भी कर रहा तो आप जस्ट ये समझ लें कि इसी प्रॉब्लम को हम डेप्थ फर्स्ट सर्च से भी कर सकते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च से भी कर सकते हैं, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च सर वो डेप्थ में तो हम मतलब वो नीचे जाते रहते ना, तो ब्रेथ में क्या होता है, ब्रेथ में लेवल बाय लेवल होता है, ठीक है, मतलब एक को प्रोसेस करें तो पहले उसके सारे नेबर प्रोसेस होंगे और फिर जो नेबर्स हैं उनमें से एक को पकड़ेंगे और उसके सारे जो नेबर्स हैं उसको प्रोसेस करेंगे, इसे लेवल बाय लेवल कहते हैं। जैसे अगर एक ट्री है ना उसमें ये मुख्तलिफ नोड्स हैं, तो एक तो वो होता है कि डेप्थ में आप जाते हैं, मतलब डेप्थ डेप्थ फर्स्ट सर्च करते हैं, ठीक है। आपने किसी नंबर को सर्च करना है, जैसे मैडम मीना ने बाइनरी सर्च ट्री का बताया जो भी है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन को पकड़ लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन इन ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, पोस्ट ऑर्डर है, तो आप एक डायरेक्शन में डेप्थ में जाते हैं, जब वहां से खत्म हो जाता है फिर दूसरी डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा फिर दूसरी तरफ हो जाएगा, तो अगर ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता तो फिर क्या होता, फिर वो लेवल बाय लेवल करता, पहले इसको प्रोसेस करेगा, क्यू यूज करेगा और इसको क्यू में पुश करेगा, फिर इसके जो चिल्ड्रन है उसको क्यू में पुश करेगा, उसको पता होगा कि कितने नोड्स किस लेवल पे, ठीक है, लेवल बाय लेवल, फिर वो इसे लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कहते हैं, ठीक है। यस, तो मैं कह रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम डेप्थ फर्स्ट सर्च से हो रहा है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च से भी हो जाता है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपको मुख्तलिफ आंसर्स में से मिनिमम आंसर पिक करना है, ठीक है, खुद आपको मिनिमम करना पड़ेगा कि जो भी मुझे आंसर मिल रहा है वो उसमें से मिनिमम, मतलब नियरेस्ट जीरो की बात हो रही है, ठीक है। जैसे इसको अगर आप प्रोसेस करें तो एक जीरो तो उसको डेप्थ फर्स्ट सर्च में यहाँ से भी मिलेगा, लेकिन उसको नियरेस्ट ये वाला मिल रहा होगा तो उसको वन यूनिट कंसिडर होगा, ना कि वो थ्री यूनिट के डिस्टेंस पे आना दर पड़ा हो, ठीक है। तो इसने डिसाइड करना है कि मुझे क्या आंसर मिनिमम मिल रहा है। मेक सेंस कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च किस तरह हो? अच्छा, अब आप जिस तरह मैडम मीना स्टार्ट में कुछ सोच रही थी कि इसको हम डीपी एरे से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मुझे भी याद नहीं है कि इसको किस तरह लास्ट टाइम मैंने किया था, मैं उसको जस्ट थिंक अलाउड कर रहा हूँ। तो अब आप कैसे सोचते हैं इसको किस तरह करें? मेरे माइंड में इस तरह आता है कि पहले आप ना इस डायरेक्शन में देखें, ठीक है, इस पूरी मतलब इसको इस पूरी ये जो है ना इसको ट्रेवर्स करें, और या आप राइट जाएंगे या डाउन जाएंगे, ठीक है, तो इससे आपको वैल्यूज मिलेंगे। जीरो है तो वो ऑलरेडी जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये जीरो है जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब वन आएगा ना तो वन का ऑलरेडी आंसर पड़ा हुआ है इधर पे, ठीक है, तो आपने वन में
मिनिमम ऑफ लेफ्ट एंड मिनिमम ऑफ टॉप प्लस वन, ठीक है, ये आ गया वन। इसी तरह इसको अगर मैं प्रोसेस करूं तो टॉप पे जीरो पड़ा हुआ है, डीपी एरे से, आप डीपी कह लें कोई भी एरे कह लें, नॉर्मली डायनामिक प्रोग्रामिंग में से डीपी एरे कहते हैं, कि अप साइड पे ऑलरेडी कंप्यूटेड आंसर जीरो है, लेफ्ट पे वैसे भी वो आउट ऑफ बाउंड है, तो यूं भी कर सकते हैं लेफ्ट पे इस डीपी में ना एक साइज एडिशनल हो जो कि जीरो पड़े हो, ताकि उसको बाउंड्री को अलग से डील ना करना पड़े, ठीक है, एक रो भी जीरो होगी, क्योंकि जब फर्स्ट रो में अगर यहाँ पर वन होता तो इसके ऊपर कोई कुछ नहीं था, तो यहाँ अगर जीरो पड़ा होता तो यहाँ पर आप उसको जी मैडम जी मैडम अच्छा चलो एक मिनट दे, मुझे मैं लैपटॉप को चार्ज लगा दूं, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैडम आप बताएं क्या कह रही हैं? तो मैं कह रही थी अगर हम जीरो अपॉइंट करेंगे इसको अपॉइंट कर देंगे इसको काम तो उसका रिजल्ट ही होगा, क्या देना मतलब आप इसको क्या मुझे नहीं बता दिया, मुझे आप बताएं ना यहाँ डेटा के अंदर आप कुछ चेंज लेकर आए फिर मुझे, अब मुझे बताएं कि जीरो से क्या होगा, आप बताएं। यहाँ वन तब होता जब यहाँ पर वन होता, ठीक है, मेक सेंस। ये जो है ना ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्चुअली जो एक्चुअल जो साइज है ना ये है डीपी का। अब मुझे बताएंगे आपको आंसर कर सकता हूँ मैं, ये जो रेड है ना बेसिकली ये वो है जो कि यहाँ पर है, आप यहाँ पर राइट करें जब हम इसको यहाँ पर होंगे तो ये लेफ्ट साइड पे सेट नहीं करेगा। देखें इसके लेफ्ट पे मतलब पहले से कंप्यूटर जो आंसर है वो जीरो पड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये बाउंड भी है, इसका मतलब है कि इसको, अच्छा आप ये कह रही हैं कि इसमें वो वन ले लेगा, आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर वन पड़ा हुआ, ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर वन पड़ा हुआ था जो कि आपने यहाँ पर वन लिखा, ठीक है, तो इसको नियरेस्ट जीरो मिल रहा है टू यूनिट्स पे ना, तो इसका मतलब ये है, बात आपकी ठीक है कि अगर मैं मिनिमम लेता हूँ वो तो फिर इसको जीरो ले लेगा और उसको कहेगा ये तो वन यूनिट का, हम क्या करें वन अपेंड करना, देखते हैं क्या होगा, हो सकता है कि देखिए यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर वन पड़ा हो, ठीक है, आपने यहाँ पर वन अपेंड कर दिया, आप इससे लग रहा है कि ये जो है ना वन या जीरो मिसलीडिंग होगा दोनों केसेस में ना, क्योंकि आपको नियरेस्ट बाउंड्री वाला से पता नहीं चल रहा, एक मिनट मुझे सोचने दें इस पर किस तरह करेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, मैं अपनी इस बात को वापस लेता हूँ कि इसको एक एडिशनल रो रखते हैं, ठीक है, अच्छा कि आपने पॉइंट आउट किया क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं पहले ये करता हूँ कि
फर्स्ट रो को मैं पॉपुलेट करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट रो में अगर एक जीरो है वो तो जीरो रहेगा, वन है तो वो सिर्फ लेफ्ट को देख रहा होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, यहाँ पर अगर जीरो है, मैं इसका चेंज कर लेता हूँ सर, मैं इसको जीरो रख, ठीक है? इसको वन रख लेता हूँ और इसको वन रख लेता हूँ, फर्स्ट रो को, ठीक है? अभी मैं फर्स्ट रो को, जीरो है तो जीरो ही आएगा, अच्छा वन है तो ये सिर्फ ना अपने लेफ्ट पे देख रहा है क्योंकि इसको पता है कि ये फर्स्ट रो है, ठीक है? तो इसने क्या करना है, इसने वन यूनिट अपार्ट करना, ठीक है? इसके लिए वो क्या करेगा, टू यूनिट, तो अभी ये सिर्फ ना लेफ्ट पे देख रहा है क्योंकि उसको पता है मैं बाउंड्री पे हूँ, ठीक है? तो ये टू यूनिट डिस्टेंस पे आ गया। अच्छा इसी तरह अगर मैं इसको प्रोसेस करूँ तो मुझे पता है मुझे सिर्फ टॉप से एक आंसर मिल सकता है, लेफ्ट से आंसर नहीं मिल सकता, ठीक है? तो जब जीरो था तो जीरो था, यहाँ पर अगर जीरो है तो ये भी जीरो है, ठीक है? अगर आप यहाँ कहती हैं यहाँ वन है तो मैं वन डाल देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर वन अगर सूट कर रहा है अभी फिलहाल डिस्कशन के लिए, यहाँ पर अगर मैं वन रख लेता हूँ, इसको कट कर देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा हूँ तो मैं लेफ्ट पे नहीं देख रहा, ठीक है? तो उसको मैं वन रख लेता हूँ और इस वाले वन के लिए मुझे सिर्फ ऊपर वाले वन को देखना है जिसका आंसर टू बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया ना? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है कि टॉप रो और लेफ्ट कॉलम को मैंने इस तरह पॉपुलेट किया कि उसमें जब इस रो में मूव कर रहा था तो सिर्फ लेफ्ट पे देख रहा था, ठीक है? अगर ये वैल्यू भी जीरो होती फिर क्या होता, ये इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी, सॉरी वन होता अगर तो मुझे क्या पता चलता? ये थोड़ा सा एक इस तरह की केसेस आएंगे जिसको ना, अगर यहाँ पर ये वन है, अगर ये वन है तो फिर क्या करेगा ये, क्योंकि लेफ्ट पे तो कोई सेल नहीं है। अच्छा मैं इसको ये कहूंगा कि ये स्पेशल केस होगा अगर इंडेक्स रो या कॉलम अगर जीरो है ना तो उसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, अगर वो वैल्यू वन है तो वन है, जीरो है तो जीरो है, ठीक है? इफ नॉर्मली आई जो हम नेस्टेड लूप लगाते हैं उसमें आई और जे कह रहे होते हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, मतलब उसको ये कहना चाहिए कि रो एंड कॉलम बोथ आर जीरो, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट सेल के लिए कह रहा हूँ कि इस सेल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो यहाँ पर वन होगा या जीरो होगा, ठीक है? तो कोई एक बेस कंडीशन लगा कर ना, बेसिकली पॉइंट ये कह रहा हूँ कि आप इसको पॉपुलेट किस तरह कर लें और इसकी ये वाली को कर लें, ठीक है? फिर बाकी जो है ना सिंपल होना चाहिए। अब देखते हैं सिंपल कैसे होगा। इतना सिंपल है नहीं, मैं आपको जस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी थॉट प्रोसेस को शेयर कर सकूँ। अच्छा अगर यहाँ पर भी वन था तो यहाँ पर वन आ गया, ठीक है, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर वन था तो यहाँ पर भी वन आ गया, ठीक है? अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जीरो इधर पे पड़ा हुआ है, ये वन ही, ठीक है? अच्छा जब मैं इसको पॉपुलेट करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, अप साइड से जो है वो उसके लिए जीरो एक डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, बल्कि जीरो तो है ही नहीं उस पर। अच्छा अब जीरो कैसे आएगा, क्योंकि जीरो तो इस साइड से आया ही नहीं, हमने तो इसको ना टू पासेज में करना पड़ेगा, उसको एक एक इंटीजर मैक्स से इनिशलाइज करना पड़ेगा, अगर अभी तक हमारे पास नहीं आया तो मैक्स वैल्यू वो रिटेन करेगा, ठीक है? पहली पहली गो में ना वो इस तरह जाएगा मेरे ख्याल में, और एक पास पूरा कंप्लीट करेगा यहाँ तक पहुँचेगा और फिर नेक्स्ट पास में वो इस तरह जाएगा, क्योंकि जो जीरो है वो किसी साइड से भी हो सकता है ना, जिस तरह यहाँ पर अगर उस साइड से हमें जीरो ही नहीं मिल रहा इसका मतलब कि उनके लिए वो इन्फिनिटी डिस्टेंस अब दूर है। अब जब दूसरे पास में जाएंगे तो वो इस तरफ से ना उसका इफेक्ट आना शुरू होगा, तो वो जो होंगी वो वैल्यूज आपको ना वो करना पड़ेगा। मैं कोड आपको दिखा रहा था, पास में लिखा था, मुझे याद नहीं कि किस तरह किया था, इसलिए आप जस्ट बियर विद मी।
कोड किस तरह है, इसमें BFS यूज की गए, ठीक है, अगर तो वो जीरो है तो फिर तो आपने रिजल्ट में जीरो रख दिया, ठीक है, ये भी कोई वो नहीं है। अच्छा अच्छा और अगर वन है, अगर जीरो है तो जीरो पुश कर दिया। अच्छा इंटरेस्टिंग, आप जीरो से वन की तरफ भी आ सकते हैं ना, ठीक है, सारे जीरोस को पुश कर दिया और उसके बाद फिर उसको प्रोसेस